Children, in the last video we have studied about sentence and subject and predicate, है ना? A group of words that are so arranged that they give some meaning is called sentence. मतलब group of words, words को जब ऐसे arrange किया जाता है कि उनसे कोई meaning हमको मिलती है तो उसको sentence बोलते हैं. Okay? देन सेंटेंस जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं अपने आइडियाज़ को या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसको सेंटेंस बोलते हैं. अब सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस जिसके बारे में है, द सेंटेंस इज अबाउट होम. सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट बताता है दैट इज प्रेडिकेट. फाइन, मतलब अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस किसको बोलते हैं एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. जो भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं बेसिकली. असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, तो फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मतलब सेंटेंसेस जो हम लोग नॉर्मली जो कोई बात करते हैं, कोई भी नॉर्मल जो बात करते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होता है. इसमें कोई फैक्ट हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है. ओके, और ये हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होता है. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, या मिस नेहा इज अ गुड टीचर, या शी टीचेज इंग्लिश, है ना. देन वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन. जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं. जैसे वॉट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वॉट इज योर नेम, वेन विल यू कम, ये सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं. देन वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस. जिन सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड होता है उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ये यूजुअली वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं. लाइक शट द डोर, कीप क्वाइट, गो आउटसाइड द क्लास, प्लीज सिट डाउन, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. विद इन द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी. द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग. जो हम लोग सडन फीलिंग, वाह ये कितना अच्छा है, या हम लोग बोलते हैं छी कितना गंदा है, तो ये जो सडन फीलिंग होती है इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. ऑब्वियसली ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पे एंड होता है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स, उसके थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की. थैंक यू.